बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले मेरे किसान ज़िमींदार भाई और बागात के काश्तकार, उनके लिए मेरा सलाम। पिछली जो वीडियो मैंने की थी उसमें पोटाशियम नाइट्रेट के मतलब आपको आगाही देने की कोशिश की थी, उसके ऊपर चंद दोस्तों ने सवाल किए, मैंने कंपनी बताई थी, चंद लोगों ने क्वेश्चन उठाए थे, उसमें दोस्तों ने जो है कमेंट्स के अंदर जो पूछा, वो दोस्त का नाम तो मुझे नहीं पता क्या नाम है, उनके सवाल के हवाले से आपको बता देता हूँ कि आप जिस कंपनी का चाहें पोटाशियम नाइट्रेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का मौजू है वो है जो आपने गोबर खाद इस्तेमाल करनी है उसका टाइम आ चुका है। उससे पहले मैं चंद बातें जो है आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने जो पिछली 2-3 वीडियो की हैं उसके अंदर मैंने आपको ये कहा था कि सबसे पहले कि एक अमोनियम सल्फेट के ऊपर जो है वीडियो की थी कि आप अगस्त के अंदर अमोनियम सल्फेट या यूरिया आपने 1 किलो फी पौधा किन्नू के बाग के अंदर आपने इस्तेमाल करना है। वो आपने किया या नहीं किया वो आपकी मर्जी। और उसके बाद फिर मैंने अगला जो काम आपको बताया था वो बताया था बोडो पेस्ट का, यानी चूना नीला थोथा, 1 किलो नीला थोथा कॉपर सल्फेट और 10 किलो चूना, इनका महलूल बनाना, 48 घंटे उसको टाइम देना है, फिर उसके बाद आपने उसको मिक्स करना है, और उसके बाद आपने जहाँ जहाँ तने के ऊपर करना है और उसके साथ साथ जहाँ पर छिलका फटा हुआ है, गोंद निकल रहा है पौधे के अंदर से, किन्नू के पौधे के अंदर जिसको गुमासिस की और दूसरी डिजीज जो होती है उसके ऊपर जो इस्तेमाल करें, वो काम आपने करना है। अब जो सीज़न इस वक्त शुरू हो चुका है इसके अंदर आपने ट्रिमिंग करनी है, जिसको सोक काटना बोलते हैं, वो सीज़न भी अब तकरीबन जो है शुरू हो गया, लेकिन हैवी ड्यूटी आपने सोक नहीं काटनी, जो कैंची है उसके साथ आपने उसको तराश खराश हल्की हल्की कर देनी, जो खुश्क टहनी है उसको काटने की कोशिश करनी, ताकि उसकी वजह से जो आपका फल तैयार होना है वो ख़राब ना हो, उसके ऊपर लाइनें ना पड़ें। और इसके साथ साथ आपने जब ये इस्तेमाल करनी है कैंची सो काटने वाली, उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी फंगिसाइड का महलूल तैयार कर लें, बर्तन के अंदर कर लें। जब आपने कैंची जो है इस्तेमाल करनी उसको 10 से 15 मिनट उसके अंदर डिप करें और पौधे की तराश खराश मुकम्मल करें, फिर जब अगले पौधे के ऊपर जाएं तो फिर उसको जो है वो 10 मिनट तक उस कैंची को उसके अंदर डिप करें। डिप करने के बाद फिर अगले पौधे को जो है वो आप तराश खराश शुरू करें, ये नहीं कि यहाँ से पौधा काटा और अगले पौधे के ऊपर डायरेक्ट आप चले गए, इसके जरासीम इसके अंदर जो डिजीजेज हैं वो ट्रांसफ़र होंगी आपके अगले पौधे के ऊपर। गोबर खाद इस्तेमाल करने से, जिसको मैन्योर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ये काम करने से पहले आपने चंद अहम काम करने। मौसम तब्दील हो चुका है, अब इस मौसम के अंदर आपने कल्टीवेटर का इस्तेमाल करना है या रोटावेटर का इस्तेमाल करना। कल्टीवेटर जो हल जब आप चलाते हैं तो वो नीचे तक वो ज़्यादा गहराई तक जाता है, जिसकी वजह से जो इसके तंदवे होते हैं पौधों के, जो आपस में मिले होते हैं पौधों के, वो टूट जाते हैं और उसकी वजह से पौधे की नशोनुमा के ऊपर फ़र्क पड़ता है। कोशिश करें जब आप ज़मीन को कल्टीवेट करें तो उसके ऊपर रोटावेटर का इस्तेमाल करें, उसको रोटावेट भी कर लिया या कल्टीवेट कर लिया ज़मीन को, उसके साथ साथ छोटे ब्लेड वाली कस्सी जिसको बोलते हैं पंजाबी के अंदर, उसको कई बोलते हैं, वो कस्सी आपने ले लेनी है और उस कस्सी के साथ आपने पौधे के अंदर जो जगह, यानी जहाँ उसके पत्ते हैं उसको कनोपी बोलते हैं या छतरी पंजाबी के अंदर बोलते हैं, झालर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर अंदर आपने गोडी करनी है। गोडी करने के साथ साथ आपने उसको यूं बनाना है, ये मेरी ये देखें, यानी पौधे का तना आपका, ये पौधे का तना है, इसे आपने यूं, ये मेरी उंगली को देख रहे हैं आप, तिरछा, और तिरछा करके कनोपी तक लेके ना, कनोपी के नीचे आपने थोड़ी सी मट्टी जो है वो उसको वट डाल देनी है, या उसको थोड़ा सा ऊपर लेवल जो है उसका करना है, कि ताकि जो आपने उसके अंदर गोबर खाद या आगे जो केमिकल प्रोसेस उसके साथ करना है वो जो पानी है वो उसके अंदर टिके, और टिकने के बाद वो पौधे की जो है जड़ों को खुराक भी अच्छी मिले, तना जो है वो आपका खुश्क रहना चाहिए। जब आप तने के साथ मट्टी लगाएंगे तो वहाँ पर टर्माइट जिसको दीमक बोलते हैं वो अपने अंडे बच्चे का प्रोसेस करेगी, और इसके अलावा जो मिली बग और जिसको गदड़ी वगैरह बोलते हैं उसका जो है अमाजगा वहाँ पर वो तैयार होगी। गोडी इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो ज़मीन उलट पुलट होगी, दूसरा आगे जो चल के जो मिली बग उसके जो अंडा बच्चा वो प्रोसेस हो रहा है वो शुरू होगा, तो उसके अंदर आप जब गोडी करेंगे वो उसको जानवर खाएंगे और दीगर जो उसको हशरात हैं वो उसको खाएंगे, जो उसके अंडे को खाएंगे, लार्वे को खाएंगे, तो उसकी वजह से जो मिली बग का गदड़ी का अटैक जो है वो आपके पौधे के ऊपर कम होगा। आज के प्रोग्राम के अंदर मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आपने जो ज़मीन को इस हिसाब से तिरछा लेवल करना है, तिरछा लेवल करने के बाद छोटे ब्लेड से, यानी कस्सी जो छोटी है उससे आपने उसको गोडी करनी है। गोडी करने के बाद
आपने जो है गोबर खाद का इंतज़ाम करना है। और एक बात, जितनी गोबर खाद की मैं तादाद बता रहा हूँ, अगर आपको गोबर खाद वैसी ना मिले, आप मुर्गी का फुजला वो इस्तेमाल करना चाहें, तो ये जितनी मैं मकदार आपको बताऊँगा उसका हाफ या थोड़ा सा उससे कम रखना है। क्यों? उसके अंदर केमिकल्स होते हैं और वो ज़्यादा तेज़ होती है और बर्निंग हो जाती है, ख़ासतौर पर जो सब्जियात वगैरह हैं उनके अंदर जो मुर्गी की जो है फुजला, उसको इस्तेमाल करते हुए ज़रा एहतियात बहुत ज़्यादा करें। जब आपने गोबर ख़रीदना है तो उसके ऊपर आपको दो तीन चीज़ें जो है उसका ख्याल रखना चाहिए कि कोशिश करें खुश्क बिल्कुल गोबर जो है वो तलाश करें जो दो या तीन माह पुराना हो, जो उसके अंदर जो प्रोसेस है मुकम्मल हो चुका हो, उसके अंदर नमी ना हो, वो गोबर आपने तलाश करना है। बाज़ ज़िम्मेदार जो है वो ये करते हैं कि घर से जानवर हैं उनके काफ़ी सारे, वो घर से जब सुबह को अपने ज़मीन पर जाते हैं अपने पौधों की देखभाल के लिए आते हैं, अपने फसल की तरफ जाते हैं, तो वो गोबर जो है अपना उठा कर ले जाते हैं। एक तो वो घर के अंदर से गोबर का वो जो मटीरियल है वो खाली हो गया, और दूसरा जाकर वो डायरेक्ट जो है पौधे के अंदर डाल देते हैं, जो है प्रोसेस वो गलत है, उसकी वजह से आपके खेत के अंदर वो दीमक पैदा होगी और उसके अलावा दीगर नुकसानदेह जो जरासीम और हशरात वो पैदा होंगे, जिससे आपकी फसल या पौधा जो है उसको नुकसान होगा, उसकी जड़ डैमेज होगी और इसके साथ साथ पौधे की सेहत भी ख़राब होगी, फल है वो भी ख़राब होगा। गोबर है उसकी मैं मकदार आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। आपके पौधे की उम्र 5 साल से लेकर 10 साल तक है, तो आपने 15 से 20 किलो फी पौधा आपने गोबर डालना है। फी पौधा, मैं ये फिर कह रहा हूँ, 5 से 10 साल की उम्र का जो है पौधा है उसके अंदर आपने 15 से 20 किलो जो है वो गोबर डालना है। 10 साल से लेकर 15 साल तक जो उम्र है उसकी, उसके अंदर आपने डालना 40 किलो से लेकर 50 किलो तक। जो 15 साल से ऊपर पौधे हैं वो, अब किसका 20 साल है, किसी का जो 17 साल का है, उनके लिए आपकी जो गोबर की मकदार है वो है 50 किलो से लेकर 80 किलो तक। मैं फिर दोबारा कह दूं, 5 साल से 10 साल तक 15 से 20 किलो, 10 साल से 15 साल की उम्र तक आपने जो इस्तेमाल करना वो 40 से 50 किलो, और 15 साल से ऊपर जो पौधा है उसके लिए आपने 50 से 80 किलो तक जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। और इसको जब आपने डालना है, ये नहीं एक ही जगह पर आपने उसको ढेर नहीं कर देना, उसको प्रॉपर तरीके से तमाम साइडों पर आपने उसको जो है वो मिक्स करना, करने के बाद फिर उसको गोडी करनी है। जब आप ये प्रोसेस मुकम्मल कर लें फिर उसको आबपाशी करनी है। आबपाशी करते वक्त आपने यूरिया का इस्तेमाल करना है, यानी हाफ बोरी कर लें, बोरी कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है, कम से कम हाफ बोरी जो है वो आप इस्तेमाल करें। वो यूरिया इस्तेमाल करने से ये जो गोबर है ये गले सड़ेगा, इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होगा और जरासीम ज़मीन के अंदर है वो ज़मीन से निकल कर बाहर आएंगे और इसको जो है प्रोसेस जो है इसका गोबर का वो मुकम्मल करेंगे, जिसकी वजह से वो जो है वो मज़ीद ताकत आपको मुहैया करेगा। आप जो गोबर इस्तेमाल कर रहे हैं इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि जो DAP इस वक्त ज़्यादा महंगी है, ये नहीं आप कहेंगे आप DAP नहीं डालें, माइनर मकदार के अंदर फास्फोरस होती है, -0.5 या समथिंग ऐसी कुछ है, इतनी होती है, लेकिन इसके इस्तेमाल से आपकी जो है DAP जो फास्फोरसी खाद है और दीगर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनकी जो कुछ बचत आप कर सकते हैं। जहाँ पर आपने जो है DAP इस्तेमाल की है, जब जो 2 बोरियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर आप 1 बोरी से भी काम चला सकते हैं, 1.5 बोरी से भी काम चला सकते हैं, यानी पौधे के साथ में। मैं आपको रेशो बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर। 2 दफ़ा आपने खाद देनी है, दिसंबर के अंदर, जनवरी के अंदर, लेकिन उससे पहले पहले आपने ये तमाम काम जो मैंने आपको बताए हैं अगर आपने कर लिए हैं उनमें से बहुत सारे तो ठीक है, नहीं किए तो आप अभी भी वक्त आप कर लें। अमोनियम सल्फेट या यूरिया का इस्तेमाल, बोडो पेस्ट, ट्रिमिंग करना, सो कटाई जो जिसको बोलते हैं वो भी आप जो हल्की हल्की बड़ी नहीं, वो आगे चल के फल कटने के बाद फिर एक दफ़ा सो काटनी पड़ती है, वो आप काट लें, फिर जो टहनियाँ वहनियाँ टूटी होती हैं वो उसकी कांट छांट उस वक्त हो जाती है, लेकिन अब जो आपकी की होगी उससे आपका फल जो लगा हुआ फल है वो डैमेज नहीं होगा, अभी दिन है, लेकिन ये नहीं कि आपने उसकी वजह से आपका फल का नुकसान हो। और उस इस सारा काम करने के साथ साथ फिर आपने इसको गोडी भी करनी है, कल्टीवेट भी करना है ज़मीन को, कल्टीवेट करने के बाद इसको गोबर की खाद डालनी, गोबर की खाद डालने के बाद फिर हल्का जो है यूरिया उसको ज़मीन को देना है। ये सारे प्रोसेस जो है आपने करने हैं दिसंबर से पहले पहले। दिसंबर के अंदर आपने फिर जो है फास्फोरसी खादें और पोटाश और दीगर जो चीज़ें हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है, और उसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो इस्तेमाल करने हैं। फिर वक्त तक
आपको गोबर खाद के मुताबिक मैंने जो आगाह करना था वो मैंने आपको किया है।